क्वेश्चन है और ये काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन कुछ बच्चों को स्टेप वोल्टेज सोर्स के साथ कैसे डील करते हैं उनको आइडिया नहीं होता वो इस क्वेश्चन को डीसी करने लगेंगे नहीं सर ये ट्रांसजेनालिस का क्वेश्चन है इसको आपको करना होगा अगर मैं आपको कॉन्विंस करने की कोशिश करूं तो देखो कौन से टाइम में आपको पूछा है टीज में आपको इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है ठीक है लेकिन अगर मैं इसका टाव फाइंड आउट करूँ इस सर्किट का टाव कैसे होगा मतलब कौन सा आर टी एच होता है इन तो वो साफ दिख रहा है 50 करेक्ट तो हंड्रेड पाई फिफ्टी अगर फिफ्टी कॉमन ले तो टू ये आएगा टू बाय थ्री है ना मतलब ये आर टी एच आपका हंड्रेड बाय थ्री और सी तो वन पे है तो मतलब आपका आर टी एच और सर मतलब आपका टाओ हंड्रेड बाय थ्री सेकेंड करेक्ट और हम लोग स्टेडी स्टेट कब मानते हैं फाइव टाओ तक है ना फाइव टाओ तो तक हम लोग थियोरिकली तो इन्फिनिटी होता है लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग फाइव टावर तक स्टेडी स्टेट मान लेते हैं सो so, यहां पे फाइव टाव की अगर बात करो तो ये ऑलमोस्ट ऑल तो अराउंड वन फिफ्टी सेकंड में होगा राइट सो so, आप वन फिफ्टी सेकंड जाते जाते आप इसको स्टेडी स्टेट में वो ये सर्किट पहुंचेगा लेकिन आपको कौन से टाइम में पूछा है

क्योंकि यूएफटी का ग्राफ बनाए तो अगर ये टीज जीरो, तो जीरो के लिए हमेशा नाइन ही रहेगा वो अलग रहे बात है तो अगर मैं सर्किट बनाऊं टी ग्रेटर जीरो के लिए तो आपका सर्किट इस तरह बनेगा फॉर टी ग्रेटर जीरो तो ये नाइन वोल्ट आ चुका होगा और यहाँ पे रेजिस्टर आर वन लगा है करेक्ट है R2. और यहाँ पेट आ गया है तो बच्चे इसको डीसी करने लगते हैं वो गलत हो जाएगा फिर इसको नहीं, इसको आपको ट्रांसियो आप right. <coughs> जीरो पे जैसे मैंने बताया सडनली आपका वोल्टेज नाइन वोल्ट अपीयर होगा तो जब सडनली एक नाइन वोल्ट अपीयर हुआ मतलब सडन चेंज हुआ सर्किट पे तो टीज गोस जीरो की बात करें अगर तो कैपेसिटर किस तरह बिहेव करेगा एज शॉर्ट सर्किट जब सडन चेंज होता है तो एट द टाइम ऑफ सडन चेंज कैपेसिटर क्यों है तो बहुत बेसिक सा जब डिस्कस करते हैं तो ये तो बहुत बेसिक बात है ट्रांसजेंड की लेकिन पता नहीं क्यों काफी बच्चे जो कोचिंग वगैरह जाते हैं फिर पूरा चैप्टर पढ़ाई करते हैं पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं फिर ये इंफॉर्मेशन उनसे थोड़ा सा मिसिंग रहता है कि जब मैं बोलता हूँ कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा एट द टाइम ऑफ सडन चेंज तो उनको लगता है कि ये तो नहीं सुना पहले कभी पता नहीं ये तो मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेंज बात है कि ये आपने पढ़ाई की है पूरे ट्रांजेंट पढ़ा है तो ये बात आपके दिमाग से कैसे मिसिंग है ठीक है मैं इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाता हूँ आपको कि अगर आपको भी अगर ये डाउट है बाकी बच्चों की तरह तो आप इस बात को ध्यान से सुनना अगर मैं कैपेसिटर जिस वक्त चार्ज कर रहा है मतलब कैपेसिटर अगर चार्ज कर रहा है ठीक है? अब मान लो कोई कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है ठीक है मान लो कोई कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है तो कैपेसिटर का वोल्टेज चार्जिंग इक्वेशन किस तरह लिखेंगे मान लो वोल्टेज सोर्स तो, सर्किट में इसको ले रहा हूं इस तरह मान लो ये वी नॉट यू ओ टी ये एक रेजिस्टर आर हो गया और एक कोई कैपेसिटर सी हो गया ठीक है और नाउ कैपेसिटर वाइल चार्जिंग की बात हो रही है जब कैपासिटर चार्ज मतलब टी ग्रेटर जीरो की बात हो रही है ठीक है टी ग्रेटर जीरो की बात हो रही है तो कैपेसिटर चार्ज करेगा सो so, एक्सप्रेशन क्या आता है वी नॉट वन माइनस एक्सपोनशियल माइनस टी बाये एक्सप्रेशन आता है ठीक है आई होप आपने ट्रांसजेंडर सही से पढ़ाई किया तो ये एक्सप्रेशन तो आपको याद ही होगा सो so, इसका करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा ऑफ आईसीएफटी उसका एक्सप्रेशन की बात कर दूं तो ऑफ आईसीएफटी कैसे निकलेगा सी डी बाई डी टी ऑफ वी सी ऑफ टी ठीक है ये बात तो इसको अगर मैं डिफाइनशियट कर दूं तो मैं सी वी सी वी नॉट आएगा इधर तो जीरो माइनस माइनस बिकम प्लस वन बाय टाओ एक्सपोन माइनस टी बाय टाओ करेक्ट है और टाओ को अगर मैं इधर ले आऊं तो इधर टाओ कितना होता है आर बाय सी तो सी सी कैंसिल हुआ तो ये पे आपको तो वी नॉट बाय आर एक्सपोन माइनस टी बाय यही तो आई सी एफ टी करेक्ट नाउ ये वी नॉट बाय आर है क्या देखो सर नॉट बाय आर वो करंट है जब तब फ्लो करेगा जब आप कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करोगे अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट मानेंगे अगर तब आपका यहां पे करंट जो फ्लो करेगा वो होगा V बाय आर तब फ्लो करेगा करेक्ट है इस बात को मैं कनेक्ट करता हूं देखो ना अगर हम लोग इसको ग्राफ बनाए इसका अगर ग्राफ बनाए तो यू टी लगा है मतलब उस पह, उससे पहले मतलब टी जीरो टी जीरो से पहले हम लोग का करंट जीरो होगा और इस एक्सप्रेशन में टीज गोस्ट जीरो लगाएंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है करेक्ट डिके होगा और डिके होकर वापस से जीरो चला जाएगा तो इसलिए स्टेडी स्टेट पे आप वापस से करंट जीरो होता है ठीक है और ये वाला भी स्टेडी स्टेट है ठीक है ये वाला भी है हमें कोई चेंज नहीं ना यहाँ पे देखो टीजो से जीरो पे देखो सर आपका सडन चेंज हो रहा है जीरो से सडनली V not, oh, by R आ गया ठीक है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट कर बिहेव कर रहा होगा ठीक है शॉर्ट सर्किट एट ठीक है अदरवाइज ये करंट फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है सर्किट पे ठीक है तो उसका मतलब आपको समझना है कि एट द टाइम ऑफ सडन चेंज कैपेसिटर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट ठीक है ये काफी तो जनरल सा बात है काफी बच्चों को पता है मुझे समझ में आता है कि ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ये बात जानते हैं ऑलरेडी लेकिन ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब अच्छे अच्छे कोचिंग को इंस्टीट्यूट के बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता सो सरप्राइजिंग है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है लेकिन फिर भी चलो अगर आपको भी नहीं पता है तो ये बात को जान लो मैंने आपको दिखाया मैं के लिए कि किस तरह हम लोग इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं Now, so ओ, चलो मैं वापस सर्किट बना लेता हूं नीचे तो हम लोग बात कर रहे थे टी ग्रेटर टू जीरो की बात तो सर्किट हम लोग का यहाँ पे ये नाइन वोल्ट आ चुका होगा और ये रेजिस्टर आर वन जो हंड्रेड ओम का है इधर एक कैपेसिटर बैठा है सी और ये आर टू आर टू की वैन है फिफ्टी ओम करेक्ट ओके नाउ

आए एट टीज गो से जीरो नाइन बाई हंड्रेड एमपीएफ फ्लो हो रहा है और अगर मैं स्टेरी स्टेट की बात कर इन्फिनिटी में तो क्या होगा circuit, right? at so पे, so पे मेरा, हम लोग काकिट होता है और टीजो टेंस टू इन्फिनिटी में जब स्टे स्टेट पहुंच जाता है तो कैपेसिटी विल बी ओपन सर्किट ठीक है और right. so, जब ओपन कैपेसिटी ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट कितना फ्लो होगा ऑब्वियसली बात है रजिस्टर हंड्रेड और 50 सीरीज में आ चुके होंगे तो ये 9 बाय 150 एंपियर ठीक है ऑलराइट right. तो मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप नोटिस करो आई ऑफ जीरो जो इनिशियल करंट है दैट इज ग्रेटर देन द फाइनल करंट स्टेडी स्टेट करंट ठीक है जो सर्किट पे इनिशियली जो करंट फ्लो होगा जो हां 9/100 है इट विल बी दैट इज ग्रेटर देन करंट एट स्टेडी स्टेट ठीक है तो ये बात है इस सर्किट पे वापस से ड्रॉ कर लेता हूं मैं right, चलो ना अब इसको मैं बी सी ऑफ टी बोलता हूँ तो से यहाँ पे ट्रांजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा तो वी सी का एक्सप्रेशन लिख लेंगे ट्रांसजेंड एनालिसिस होगा तो ये वी सी एट इन्फिनिटी प्लस ये बी सी एट जीरो माइनस वी सी एट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बायटा ओके

और ये थ्री थ्री था ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया थ्री बचा। कट तो वीसी एट इन्फिनिटी थ्री वोल्ट है तो लिख लेंगे थ्री प्लस वी सी एट जीरो क्या है जीरो कुछ गिवन नहीं है तो जीरो मानना है और ये थ्री एक्सपोनशियल माइनस कैलकुलेट किया था हम लोग ने हंड्रेड बाय थ्री टाओ हंड्रेड बाय थ्री है तो थ्री पर आ गया थ्री टी बाय हंड्रेड ठीक है और अगर तो यहाँ पे हम लोग थ्री कॉमन लेंगे तो ये थ्री वन माइनस एक्सपोनशियल माइनस थ्री टी बाय हंड्रेड ठीक है, ये हो गया आपका Vc ऑफ t, ओके, okay. no. और यही वोल्टेज है R2 के अक्रॉस करेक्ट, क्योंकि हम लोग को R2 का इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, तो वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो यही आपका V2 भी है, तो ये one minus exponential minus three t by hundred, ठीक है, और चलो, तो ये आपका V2 भी मिल गया और वी वन की बात कर दें तो कैसे निकलेगा वी वन इज नाइन वोल्ट माइनस वी सी ऑफ टी करेक्ट तो नाइन वोल्ट से माइनस कर देंगे मतलब ये वी टू की बात कर रहा हूं हाँ तो दोनों का डिफरेंस होगा नाइन वोल्ट माइनस वी सी ऑफ टी ओके तो वी सी ऑफ टी रेडी है तो मैं यहां पुट कर देता हूँ तो थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद ये थ्री ये चलो मैं माइनस भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस थ्री प्लस थ्री एक्सपोनशियल माइनस थ्री टी बाय्रेड ये होगा तो नाइन माइनस थ्री सिक्स होता है और यहां कॉमन तो ले लूँ तो ये 2 और ये ठीक माइनस थ्री टी ये हो गया आपका वोल्ट ठीक है और नाउ right. आप इस एक्सप्रेशन को देखो सर ये माइनस यहाँ है ठीक है सॉरी आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो स्टूडेंट को लगता है कि ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है नहीं सर वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा आप देखो अगर मैं टीज को जीरो की बात कर दू टीजो जीरो की बात कर दू इस एक्सप्रेशन में तो वी वन ऑफ जीरो करके जीरो पुट करोगे तो टू टू प्लस वन थ्री थ्री जीरो नाइन वोल्ट ठीक है और अगर मैं टी टेंस टू इंफिनिटी में बात करूं तो वी वन एट इन्फिनिटी कितना है तो एक्सपोनेंशियल का टर्म जीरो हो जाएगा तो सिक्स वोल्ट ठीक है तो उसका मतलब मैं अगर वी वन का प्लॉट कर दूं तो ये नाइन वोल्ट से कहीं सिक्स वोल्ट तक जा रहा है कैसे होगा ड्रॉप ये एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रहा है ठीक है तो यहाँ में यूजली बच्चे प्लस देख के थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि चार्जिंग हो रहा है बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ नहीं रहा सर वैल्यू ड्रॉप हो रहा है ठीक है और एक बात बच्चों को लगता है कि रजिस्टर है तो वहां पर ट्रांसजेंड का क्या काम ऐसा बात नहीं है देखो यहाँ पे रजिस्टर वी आर वन की बात कर दें अगर तो इसका एक टर्मिनल तो नाइन वोल्ट पे है लेकिन दूसरा टर्मिनल एक कैपेसिटर का वोल्टेज है करेक्ट ठीक कर भी भी, तो है का वेल, भी, वोल्टेज चेंज, उसी तरह तो इस बात को आप समझो तो चलो बाकी तो काम हो चुका है वैसे अब बस इसका इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन निकालना है कैसे निकालते हैं पी वन ऑफ टी कैसे निकालेंगे वी वन स्क्वायर ऑफ टी बायर ऑफकोर्स ठीक है तो आप अगर मैं वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर करेंगे तो नाइन ये टू प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री टी बाय हंड्रेड ये इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन आर वन है आपका हंड्रेड सो टीजुकस तू टेन में पूछा है तो ये नाइन बाय हंड्रेड इधर टू प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो पॉइंट थ सो so, इसको अगर कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में आपका 676 सेवेंटी सिक्स मिली आ रहा है ऑलमोस्ट सिक्स मिली आ रहा है तो ये आंसर है तो ऑप्शन में चेक करो तो एक ही ऑप्शन में 676 लिखा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है लेकिन फिर भी हम लोग दूसरा वाला पी रजिस्टर आर टू के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं इन द सेम वे ऑफकोर्स तो पी टू ऑफ टी क्या होगा बी टू स्क्वायर ऑफ टी बाय आर टू आर टू फिफ्टी है तो अगर मैं लिख लेता हूँ तो ये नाइन वन माइनस एक्सपोनशियल माइनस थ्री टी बाय हंड्रेड स्क्वाइड डिवाइडेड बाय फिफ्टी ठीक है अब टी जुकोस्तु टेन में पूछा है तो पी टी टेन में बीजोस्तु नाइन बाय फिफ्टी माइनस जीरो पॉइंट थ्री का होल स्क्वायर ठीक है अगर आप स्क् कैल्कुल करे तो ये आएगा ट्वेल्व मिली वाटर आंसर आएगा जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ठीक है तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैंने पिक किया है तो चलो कोई नहीं आज थर्टी फर्स्ट दिसंबर भी है तो चलो इजी तो बनता है ठीक है तो मैंने इजी बनाया लेकिन ये बात का आप ख्याल रखें नाइन यू टी स्टेप वोल्टेज को किस तरह डील किया जाता है डायरेक्ट आप इसको डीसी एनालिसिस ना करें आप देखें कब पूछा है क्या बात है ठीक है तो जब भी आप ये ये रूल ऑफ थर्म बना लो कि जब भी आप स्टेप वोल्टेज देखो यू टिकट में तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि वो ट्रांजेंट का ही क्वेश्चन होगा ठीक है तो इस बात को समझो चलो फिर आप थर्टी फर्स्ट का नाइट एंजॉय करो और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस तो मिलते हैं नेक्स्ट डोज में थैंक यू